स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। 16 वर्ष की उम्र तक घर पर शिक्षा प्राप्त करने के बाद नेहरू प्रसिद्ध अंग्रेजी स्कूल हैरो चले गए। वहां उन्होंने 2 साल पढ़ाई की। उसके बाद जवाहरलाल ने कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में प्रवेश लिया। कैम्ब्रिज से शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो लंदन के इनर टेम्पल में 2 वर्ष की पढ़ाई के बाद बैरिस्टर बन गए। भारत लौटने पर नेहरू ने सबसे पहले वकील के रूप में स्थापित होने का प्रयास किया, लेकिन अटॉर्नी के रूप में नेहरू असफल रहे। महात्मा गांधी से मिलने तक उनकी किसी कार्य में रुचि नहीं थी। गांधी जी के कहने पर जवाहर भारत में ब्रिटिश शासकों के खिलाफ संघर्ष की ओर आकर्षित हुए। भारतीय राजनीति में नेहरू की भूमिका 1929 में कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष निर्वाचित होने तक दूसरे दर्जे की ही बनी रही। लाहौर में कांग्रेस के ऐतिहासिक अधिवेशन में उनके अध्यक्ष बनने पर भारत के राजनीतिक लक्ष्य के रूप में संपूर्ण आजादी की मांग की गई। 1921 से 1945 तक नेहरू को 8 बार हिरासत में लिया गया। इस तरह वो कुल मिलाकर 9 वर्ष जेल में रहे। स्वतंत्रता के उपरांत नेहरू को प्रथम प्रधानमंत्री चुना गया। And now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. नए गणतंत्र के पहले प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू ने लोकतंत्रात्मक राजनीति, नियोजित अर्थव्यवस्था और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान किया। उन्होंने उच्च शिक्षा के संस्थानों पर भी ध्यान दिया। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में उनकी नीतियाँ दूरदर्शी थी। नेहरू 18 वर्ष भारत के प्रधानमंत्री रहे, पहले कुछ समय अंतरिम प्रधानमंत्री रहे और 1950 से भारतीय गणतंत्र के प्रधानमंत्री बने। नेहरू ने भारत में संसदीय सरकार की स्थापना की और विदेशी राजनीति में निष्पक्ष और गुटनिरपेक्ष नेता के रूप में पहचान बनाई। वे 1930 और 1940 के दशक में भारत के स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में शामिल थे। 27 मई 1964 को नेहरू का निधन हो गया। लेखक के रूप में उन्होंने खूब प्रशंसा बटोरी। जेल में नेहरू ने लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, एन ऑटोबायोग्राफी और द डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखे। मराठवाड़ा जन नेता अनंतराव भालेराव का जन्म 14 नवंबर 1918 को महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हुआ था। वे अन्ना के नाम से भी लोकप्रिय थे। अनंतराव ऐसे पत्रकार थे जिन्होंने मूल्यों पर आधारित जीवन जिया। वे युवावस्था में हैदराबाद मुक्ति आंदोलन में शामिल हुए, जिसके लिए उन्हें जेल भी हुई। 1944 में उन्होंने लगान की वसूली के विरोध में निजाम सरकार के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया। अनंतराव ने वाघमारे के साथ मराठवाड़ा अखबार का संपादन भी किया। उन्होंने मराठवाड़ा अखबार के द्वार तक लोगों के शिकायतें प्रस्तुत करने का अवसर देकर लोगों के अधिकारों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अन्याय करने वालों को बेनकाब किया। हैदराबाद में इस अखबार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 15 अगस्त 1947 को लोगों से अपने घरों और सार्वजनिक स्थानों पर तिरंगा फहराने के माध्यम से सत्याग्रह की अपील की गई। इसके कारण निजाम का सशस्त्र पुलिस के साथ टकराव हुआ। 1948 में निजाम का शासन समाप्त होने के बाद मराठवाड़ा अखबार को फिर शुरू किया गया। अन्ना 1975 में आपातकाल के दौरान एक बार फिर जेल गए। 26 अक्टूबर 1995 को अनंतराव का निधन हो गया। उन्हें महान जननेता और राष्ट्रवादी पत्रकार के रूप में आज भी याद किया जाता है। चौदह नवंबर पीलू मोदी की जयंती भी है। पीलू मोदी वास्तुविद, राजनेता और स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। पीलू मोदी की शिक्षा देहरादून के दून स्कूल में हुई थी।
उच्च शिक्षा बर्कले की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से प्राप्त की, जहां से उन्होंने वास्तुकला में स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि ली। राजनीतिक जीवन में पीलू मोदी उदारवाद और स्वतंत्रता के पक्षधर थे। 1967 के आम चुनाव में उन्हें गुजरात की गोधरा सीट से लोकसभा के लिए चुना गया। 1971 में वे फिर से लोकसभा चुनाव जीते और मार्च 1977 तक लोकसभा सदस्य रहे। 1975 में भारत में आपातकाल के समय पीलू मोदी को गिरफ्तार कर लिया गया। 10 अप्रैल 1978 को पीलू मोदी राज्यसभा सदस्य बन गए और 1983 में मृत्यु तक राज्यसभा की सेवा की।